जय माता दी, जय भैरव। नमस्कार साधको, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साधको, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टोटका, एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा तांत्रिक क्रिया का काम जिसको करकर आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हो। ज़्यादातर हमारे एक चैनल पर आपको स्त्री के लिए ही वीडियो मिले, पुरुषों के लिए कम बने हैं। इन्हीं कारण आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वह पुरुषों के लिए। काफ़ी पुरुषों का हमें कॉल आया, मैसेज आया, उन्होंने मैं इनसे राय मांगी, टोटके मांगी, तो काफ़ी को हमने बताया भी था, उनके काम भी सिद्ध हुए हैं। लेकिन आज YouTube पे जो मैं टोटका डालने जा रहा हूँ, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, काफ़ी लोगों के काम बने हैं। साथ को वैसे तो ये टोटके होते हैं, लेकिन ये बड़े ही कामगार सिद्ध होते हैं। साथ को वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जो प्राय सभी मनुष्यों की आवश्यकता बन गई है आज के युग में, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसा समय आ जाता है कि जिसे वो चाहता है, जिसे वो पाना चाहता है, वो उससे दूर होने लगता है। जैसे पति पत्नी के झगड़े होने लगते हैं, पत्नी कहना नहीं मानती है तो उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, पत्नी प्रेमी है, प्रेमिका शादी से मना कर रही है, आपसे मिलने के लिए मना कर रही है, कहीं और किसी और के चक्कर में जा रही है, तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। आज मैं आपको इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए एक टोटका बताने जा रहा हूँ, उस टोटके को करके आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं। साथ में ये टोटका होता है लिंग से, लिंग पर नाम लिखकर आपको ये टोटका करना होता है। चलिए आपको मैं बताता हूँ ये कैसे करना है। साथ में किसी भी दिन आप हफ्ते के कोई भी वार को ये टोटका आप कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है, इसमें कोई वार की पाबंदी नहीं है आपके लिए। किसी भी दिन आप ये टोटका कर, आपको करना क्या है कि आपको अपने लिंग पर काले पेन या काली स्याही से उस स्त्री का नाम लिखना है जिसको आप पाना चाहते हैं। मान लो आप किसी पूजा से प्यार करते हो तो आप पूजा लिख लीजिए। लिखने के बाद में आप उस दिन अंडरवेयर ना पहने और अपने लिंग पर जल का छिड़काव करें जिसमें शहद मिला हो। शहद की तो मतलब चमची डाल कर पानी की बाल्टी में उसका मतलब उसका अभिषेक करना, उसको धोना है। फिर आपको बाथरूम में बिल्कुल नग्न अवस्था में होकर एक संभोग साधना वशीकरण मंत्र होता है उसका उच्चारण करते हैं। मंत्र आपको मैं तब बताऊंगा जब ही आप साधना करने के इच्छुक हो, क्योंकि ये मंत्र हर व्यक्ति के लिए राशि के अनुसार अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको मेष राशि का मंत्र इसमें बता देता हूँ। मेष राशि के व्यक्ति इसमें कहते हैं, ओम मम कामस्य सबन साधना योनि देवे स्वाहा। ये मेष राशि के लिए ही मंत्र बना है। अब आपको करना क्या, आपको 121 बार इस मंत्र का आंख बंद कर ध्यान मुद्रा में उच्चारण करना। उसके बाद आप अपने कपड़े वस्त्र पहन लीजिए और जिस भी स्त्री को आप पाना चाहते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसको आप वश में करना चाहते हैं, उसके पास या उसके घर के पास आपको पेशाब करना है। पेशाब करते वक्त आपको वही मंत्र दोबारा उच्चारण करना है 7 बार। दोस्तों, ये टोटका ऐसा है कि जैसे ही आपके पेशाब की गंध उसके शरीर तक, उसके नाक तक, उसके घर तक पहुँचेगी, वह तुरंत आपके वश में होने लगेगी। ये बहुत ही प्रचलित एवं प्रचंड टोटका है। इसका इस्तेमाल कभी भी गलत मकसद के लिए ना कीजिएगा। आपका अगर प्रेमी रूठा है, पत्नी रूठी है, तो भी इस टोटके का प्रयोग कीजिएगा। अन्य किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमारे गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं एवं समाधान जा सकते हैं। मंत्र आपको निःशुल्क गुरु जी से प्राप्त हो जाएगा। साथ में ये टोटका होता है, इसमें विशेषतः कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जब भी आप ये करें तो ये जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक आप ये अन्य किसी को ना बताएं, क्योंकि ये टोटके होते हैं बताने से इनका असर उल्टा होता है। ठीक है, जय माता दी, धन्यवाद साथ।